तो पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व यूपी के दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर लगातार मतदान जारी है और इसके साथ साथ उत्तराखंड की भी 69 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन आयुक्त राधा रतूड़ी ने लोगों से वोट करने की अपील की, सुनाते हैं आपको। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सभी पोलिंग बूथ पे मतदाताओं को मदद करने के लिए पूरी व्यवस्था है और सारी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज जो बेसिक चीज़ें हैं, रोशनी है, पानी है, टॉयलेट की फैसिलिटी है, किसी भी मतदाता को कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आपके माध्यम से मेरा सभी देहरादून के वोटर्स से अपील है और पूरे उत्तराखंड के वोटर्स से अपील है कि अपनी वोट अवश्य डालें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो वोट जरूर डालें, लेकिन उत्तरकाशी से खबर आ रही है, यहाँ के पुरोला विधानसभा के 4 पोलिंग बूथ पर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। सड़क ना बनने से लोग नाराज हैं। तो लोगों की नाराजगी अब इस तरह से सामने आई है। उत्तरकाशी का यहाँ पर 4 पोलिंग बूथ पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया है, पुरोला विधानसभा उत्तरकाशी की। और वजह यह है बहिष्कार करने की कि लोग नाराज हैं, उनके इलाके में सड़क नहीं बनी और ये नाराजगी अब अपने मत का प्रयोग ना करने को लेकर सामने निकल कर आ रही है। उत्तरकाशी के पुरोला में वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, यहाँ के 4 पोलिंग बूथ पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया है और इसकी वजह यह रही है कि यहाँ पर लोग नाराज हैं, सड़क नहीं बनी इसी वजह से।